नमस्ते फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम ये गोल्ड ऑमलेट बनाना सीखेंगे। इसकी देखिए मैंने 3 कली बनाई हैं, आगे इसकी और भी कलियाँ बनेंगी तब ये पूरा गोल बन के आएगा। यहाँ से मैंने इसके 20 फंदे लिए थे, तो आपको किसी भी साइज़ में बनाना हो तो आपको इसके लिए दो दो के पेयर में फंदे लेने हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ और इसके बाद मैं ये भी बता दूँगी कि यहाँ से आपको नई कली कैसे शुरू करनी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको 7 नंबर की या 8 नंबर की सिलाई ले लेनी है। और देखिए इसमें जो बेस कलर है ना, अंदर की साइड रखा है और ये बाहर ये ब्लू कलर से इसकी ये कलियाँ बनी है। तो पहले हम इस बेस कलर से ही फंदे बनाएंगे। और फंदे बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कितने भी फंदे ले सकते हैं। देखिए मैं इसे सेम साइज़ में स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ, इसलिए फंदे बना के बता देती हूँ, वरना आप इसमें भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप इस तरह से या फिर आपको जैसे भी फंदे इजी लगते हो बनाना वैसे बना लीजिए। ये देखिए 2, 3, 4 इस तरह से 20 फंदे ले लेंगे। ये देखो हमने 20 फंदे ले लिए। अब इसके बाद हमें बनाना शुरू करना है। तो देखिए अगर आपने ज़्यादा फंदे का बनाना है तब भी आप इसी तरह फंदे ले लीजिए दो दो के पेयर से, और जैसे 40 लिए हैं तो भी ऐसे ही बनाएंगे जैसे ये इसकी पहली लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें हमने पहले इसी कलर से ये एक दो तीन चार पाँच लाइन बनाई है। ऐसे ही इसकी 5 लाइन इसी कलर से बनाएंगे। तो स्टार्टिंग तो हमें बिल्कुल सादा सादा ही ये बनाते जाना है, जैसे हम उल्टा उल्टा बनाते हैं वैसे ही दोनों साइड से एक ही जैसा बनाएंगे। देखिए पहली लाइन से ही इसका डिज़ाइन हम शुरू करेंगे। तो एक साइड से हमने बुनाई शुरू की है तो दूसरी साइड से फंदों को छोड़ेंगे, दो दो के पैर में ही फंदे छोड़ने हैं। देखिए यहाँ पे दो हम फंदे छोड़ेंगे। ये देखो हमने यहाँ पे दो फंदे छोड़ दिए। अब दो फंदे के बाद ऐसे दूसरी साइड ले जाएंगे धागे को, इधर से इतना ही करना है। फिर इधर की लाइन में आएंगे, इधर की साइड में, और इधर की साइड से जो ये वाले फंदे इनको बनाएंगे। और देखिए धागे की पट्टी को आपको ऐसे जोड़ना है, इसके अंदर रख के ऐसे राउंड राउंड घुमा देना है, लपेट कर अंदर ही लॉक कर देना है, फिर इससे बुनाई करनी है। ऐसे करके इसकी पट्टी भी जुड़ जाती है और पता भी नहीं चलता। बहुत ही इजी डोरमेट है, आप इससे बड़े साइज़ में या छोटे साइज़ में कैसे भी बनाएंगे तो अच्छा लगेगा और जल्दी भी बन जाएगा, क्योंकि इजी चीज़ें तो जल्दी बन ही जाएंगी, है ना। इसमें आप दो कलर की जगह मल्टी कलर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसकी ये जो कलियाँ बनाई है ना, यहाँ पे आप अलग अलग कलर की कलियाँ भी बना सकते हो। देखो कुछ चीज़ है ना, हम अपने मन से भी करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस बन जाएगा। देखो एक लाइन बना ली, अब देखो दूसरी साइड आएंगे, इधर से फिर से बनाएंगे, ऐसे ही बनाना है। यहाँ पे हमें दो फंदे छोड़ने हैं, बहुत सिंपल है। एक और हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए ये फंदा हमने इधर से बुन लिया था, तो इधर से हम ऐसे स्लिप करेंगे इसे, जिससे कि यहाँ किनारे पर ये देखो इस तरह की ये चेन बन जाएगी। एक साइड से फंदे को बुनना है, दूसरी साइड दो फंदे छोड़े, अब फिर से दो फंदे छोड़ेंगे, यानी इधर की साइड से दो दो के पैर के फंदे छोड़ते रहेंगे ऐसे करके, और ये दो लाइन बना ली। तो अब ऐसे ही हमें क्या करना है, दो दो करके हमें 10 फंदे तक छोड़ने हैं, क्योंकि इसमें हमने 20 फंदे डाले थे तो आधे फंदे तक ऐसे ही छोड़ेंगे। अगर आपने यहाँ पे 32 फंदे ज़्यादा डाले तो 16 फंदे तक छोड़ देंगे, और अगर आपने 40 फंदे तक डाले हैं तो यहाँ पे 20 फंदे छोड़ लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बनाना है जैसे हमने एक लाइन बनाई थी, इधर से इसको पूरा बना लेंगे, फिर से यहाँ पे आएंगे, फिर से यहाँ तक बनाएंगे, ये दो फंदे छोड़ देंगे। ऐसे करते हुए 10 फंदे हो जाए तब तक ऐसे ही बनाते हैं। देखिए हमने इधर से 2, 4, 6, 8, 10 फंदे छोड़ लिए। अब इधर जाएंगे, 10 फंदे छोड़ने पर हमारे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 लाइन बन जाएंगी। ऐसे अगर आपने ज़्यादा फंदे छोड़े हैं तो फिर यहाँ पे ज़्यादा लाइन बनेगी, ठीक है। तो ये देखिए इसका ये वाला पार्ट है ना, इतना ये बन गया।
अब हम ये ब्लू वाला पार्ट बनाएंगे, तो उसके लिए यहाँ से अब दूसरी साइड आएंगे ना, इधर यहीं पे अब हम दूसरा कलर है ना वो जोड़ लेंगे। तो देखिए इसे बैक साइड से इधर से जोड़ लेंगे, ऐसे करके इसमें अच्छी तरह से रोल करके जोड़ना है, फिर इससे बनेंगे। अब जो आगे के फंदे हैं ना उसे इसी कलर में बनाना है। अब पीला वाला कलर नहीं लगाएंगे, अब ब्लू कलर से बनाएंगे। ये वाला भाग ब्लू कलर से बनाएंगे ऊपर की तरफ, यहाँ तक देखो ये पूरे फंदे हमने इधर से बना लिए। अब इधर आएंगे सीधी तरफ से, तो यहाँ से बनाते हुए जाएंगे। पहले हमने यहाँ तक दो दो करके फंदे छोड़े हैं, अब ये वाला फंदा दो का पैर छोड़ देंगे। ये किनारे वाले फंदे को स्लिप करना है और ऐसे बनाते जाना है। देखिए मेथड तो वही है, दो दो करके हम पीछे ऐसे छोड़ते हुए ही आ रहे हैं फंदे, सिर्फ हमने इसमें कलर चेंज कर दिया है ना। और सिर्फ कलर चेंज करने से इसका डिज़ाइन कितना अलग लगने लग गया। वैसे ये सिंपल डोरमेट है, जो डो गोल डोरमेट हम बनाते हैं वही है ये, लेकिन बस इसमें हमने आधे फंदों के बाद कलर चेंज कर दिया है, तो इस तरह का डिज़ाइन ये बड़ी ही आराम से बन जाता है ना। इनको सभी को ऐसे ही करना है। देखिए इधर से बनाते हुए जा रही हूँ मैं, और दो फंदे इधर की साइड छोड़ते हुए फिर बैक साइड से बनाना है। बस इसी तरह से इसको पूरा कर लेना है। देखो सब फंदे हम जल्दी से इसके बुनते हुए पूरे कर लेते हैं। ये देखो यहाँ से बनाया, अब यहाँ से बनाइए। देखो अब पूरे फंदे छूट गए इसके भी, साफ दिख रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से यहाँ तक ब्लू के जो फंदे हैं उनको ब्लू कलर से बुनेंगे। देखो पूरे इसमें ठीक है, और इसको अब पीछे की साइड ले जाएंगे और ये वाला धागा बिना क्रॉस किए ही आगे लाएंगे। ठीक है, इधर से वो हम ना बैक साइड से ही उसे क्रॉस करवा लेंगे। आगे की तरफ से करेंगे ना तो यहाँ पे ये ब्लू कलर इसके ऊपर दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही करना है हमें, है ना, अलग अलग रहने देना इसे। और फिर ये येलो वाले फंदे हैं वो इस धागे से इस वाले से बनाएंगे येलो कलर से। पूरे लास्ट तक जो भी हमने छोड़े थे ना उनको अब इसमें लास्ट वाली सिलाई में पूरा बना लेंगे। तो इस तरह अब हमारी यहाँ पर एक कली बन गई। देखो ये सेम ऐसी ही बनी है। अब यहाँ से के बाद अब इतना हो गया, इधर की साइड से दोबारा शुरू करेंगे दूसरी कली। तो पीले कलर से अब हम बना लेंगे, इसमें कोई फंदे अभी हमने उधर से नहीं छोड़े, इधर से भी नहीं छोड़े। ठीक है, एक लाइन हम दोनों साइड से ऐसे उल्टी उल्टी की बना कर यहाँ तक पूरी बना लेंगे। ये ब्लू फंदे हैं वो भी पीले से बनाएंगे। ठीक है, ये देखो हमने ब्लू कलर के फंदे भी पीले वाले कलर से बनाने हैं। अब यहाँ से ये दूसरी लाइन बनना स्टार्ट हो गई है, इसकी दूसरी कली की पहली लाइन बन गई है। ये फंदे जैसे डाले थे हमने स्टार्टिंग में, तो ये फंदे वाली लाइन हो गई। ठीक है, यहाँ से अब हमें फिर से वही करना है, इसके चार लाइन बनाएंगे, दो दो फंदे इधर से छोड़ते हुए, या पांच लाइन जो भी फंदे उनके अनुसार यहाँ पे बना लेंगे। दस फंदे छोड़ लेंगे, पांच लाइन बना लेंगे, फिर उसके बाद ब्लू कलर बैक साइड से इधर से जोड़ लेंगे, फिर उसके भी फंदे छोड़ देंगे, फिर पूरा बना लेंगे जैसे अभी ये बनाई थी। ठीक है, एक के बाद एक कली बनाते जाएंगे, तो इस तरह से ये कलियाँ बनती जाएंगी और पूरा राउंड शेप में बन कर बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू, आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।